Hi guys, welcome to PS Factwork. आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन दिनों वायरल हो रहे PUBG वाली सीमा हैदर की लव स्टोरी के बारे में। सीमा हैदर या सचिन की कहानी, सीमा की लव स्टोरी हिंदी फिल्मों की कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात वर्ष 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए हुई थी। इसके बाद समय के साथ धीरे धीरे दोनों की नजदीकियाँ बढ़ती चली गयी। इसके बाद प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा हैदर ने अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए भारत आने का फैसला कर लिया। सीमा और सचिन की पहली मुलाकात 10 मार्च 2023 को नेपाल में हुई, जिसके बाद सीमा ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाते हुए सचिन मीना के साथ मंदिर में विवाह कर उनके साथ रहने लगी। सीमा हैदर क्यों और कैसे आई भारत? और सीधा रुक करते हमारे संवाददाता। सीमा ने अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने घर को बेचा और फिर अपने और बच्चों के लिए दुबई से नेपाल के लिए वीजा प्राप्त किया और नेपाल आ गईं। यहां पर सचिन कथित रूप से उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया और नोएडा आ गए, जहाँ अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सीमा हैदर के साथ रहने लगे। दोनों की साधारण प्रेम कहानी के खुलासे ने अधिकारियों का ध्यान तब खींचा जब सचिन मीना को हरियाणा के बल्लभगढ़ जा रही बस में यात्रा करते समय रोका गया और इसके बाद पूछताछ के लिए नोएडा लाया गया, जिसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली सीमा हैदर है। सीमा हैदर क्या पाकिस्तानी जासूस है? भारत आई सीमा हैदर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर ने अपनी सफाई में खुद को निर्दोष करार दिया और कहा, भारत के लोगों का शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं यहीं रह सकूं, मैं एक अच्छी भारतीय बनकर दिखाऊंगी। इस पूरे मामले पर पत्रकार और एंकर मीनाक्षी जोशी ने ट्वीट कर सीमा हैदर पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज सीमा हैदर के बारे में पढ़ रही थी। 27 की उम्र में 4 बच्चे, पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत घूमना, टिकटॉक पर वीडियो बनाना, पबजी पर गेमिंग करना, इतने पासपोर्ट रखना, कम पढ़ी लिखी होकर भी भाषाओं में कॉन्फिडेंट होना, यह महिला सस्पेक्टेड लगती है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने क्या कहा? गुलाम हैदर का कहना है कि उसे किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो 3 साल से सऊदी मजदूरी करने के लिए आया हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता था उसे सीमा के पास भी भेज दिया करता था। उसने मेरे बारे में गलत जानकारी दी है। मैं तो अभी 3 सालों से सऊदी अरब में हूँ, मैं उससे कैसे मारपीट कर सकता हूँ? क्या होगा अब सीमा हैदर का? इसी महीने की 4 तारीख को सचिन और उनके पिता के साथ सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल सीमा अपने प्रेमी के साथ ही रह रही है और दावा करती है कि वह अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। हालांकि सीमा के खिलाफ कानूनी अड़चने उनके एक कठिन भविष्य की ओर इशारा करती है।